सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग गाइस। जर्नी विद सुफैन में स्वागत है आप लोगों का। तो बड़े समय बाद मुलाकात हो रही है गाइस, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी और जो है मैं शॉर्ट वीडियोस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था। मतलब बहुत जल्दी शॉर्ट वीडियोस जो है रेडी भी हो रहा था और अपलोड भी हो रहा था और व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे, तो इसलिए मैं लॉन्ग वीडियोस पे ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा था। बट अभी क्या है ना, न्यू ईयर चालू हो गया है तो मैं सोचा थोड़ा लॉन्ग वीडियोस से स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड नहीं किया है, मतलब न्यू ईयर हो गया अभी से, झूठ बोल रहा है। तो मैं सोचा थोड़ा लॉन्ग वीडियोस से ही चालू करते हैं। और गाइज, अगर आप लोगों को पता है कि मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया है अभी, और मैंने ऐसा मतलब ठाना है कि मैं जो 3 महीने में जो है वो बॉडी जी चेंज करनी है, मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो 3 महीने में मतलब चेंज करना है और थोड़ा फिट दिखना है 3 महीने में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो 3 महीने का टाइम है मेरे पास, और यूट्यूब के लिए बस 1 साल का मैंने टाइम लिया है। मतलब 1 साल में मेरा जो है चैनल अच्छा खासा ग्रोथ हो जाना चाहिए गाइस, तो थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए। नहीं और मैं बोल रहा था कि अभी जिम ज्वाइन किया है तो अभी मैं जिम के लिए निकलने वाला हूँ, तो उसके लिए बनाऊंगा अभी एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट। एक्चुअली मैं जो है वो शेक प्रीफर करता हूँ, बट एक्चुअली आज जो है मेरे पास पीनट बटर ख़त्म हो गया है। मतलब मैंने ऑर्डर किया है बट अभी तक आया नहीं है, तो अभी जो है वो हाफ फ्राई एग बनाएंगे ब्राउन ब्रेड के साथ लेके प्री वर्कआउट, और उसके बाद जाएंगे जिम। तो फटाफट मैं चलता हूँ किचन में और बनाएंगे ब्रेकफास्ट और निकलते जिम के लिए गाइस। ओके गाइस, रोज तो मैं ओट्स बना के खाता हूँ शेक, लेकिन आज मेरे पास बनाना है नहीं तो अंडा लेके खाएंगे। मतलब अंडा हाफ फ्राई बनाता हूँ और 2 ब्राउन ब्रेड हैगा, तो एक हैवी वर्कआउट, एक हैवी डाइट भी हो जाएगा मेरा और वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट मील भी हो जाएगा। तो फटाफट अभी नाश्ता करते और चलते हैं जिम में। तो भाई अभी ब्रेकफास्ट हो गया रेडी, चलते और खाते और जिम भी निकलना है इसके फटाफट। चलो तो गाइस, अभी हम लोग हो रहे हैं जिम के लिए रेडी। तो क्या है ना गाइस, जिम जो है मेरे घर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो थोड़ा बोर होता है आने के लिए, मतलब इतना जिम लंबा है तो। पर कोई बात नहीं, अभी बॉडी बनाना है तो इतना करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं अंदर। क्या होता है सर, अच्छा है ना? तो आज का जो हमारा वर्कआउट है वो है शोल्डर, बट उसके पहले हम लोग करेंगे वार्म अप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी 3 मंथ में जो है बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो उसके लिए मैंने जो है 3 एक्सरसाइज है जो वार्म अप में करूँगा रेगुलर बेसिस पे 3 मंथ तक, जिसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सूर्य नमस्कार है, जिसमें मेरा फुल बॉडी का वार्म अप भी होगा और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी। सेकेंड जो है वो पुशअप्स है, जिससे मेरा मसल बिल्ड होगा और स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगा। और थर्ड जो है वो है प्लेट पुल डाउन, जिसमें बैक का और शोल्डर आर्म्स का वार्म अप हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज गाइस वार्म अप के लिए बहुत अच्छा है, तो आप भी अगर जिम जाते हो तो ये वार्म अप में ज़रूर कीजिए। वार्म अप होने के बाद गाइस मैंने लिया 2 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद मैंने शोल्डर का एक्सरसाइज किया। जो फर्स्ट एक्सरसाइज था मेरा मशीन शोल्डर प्रेस था, जिससे हमारा शोल्डर जो है वो स्ट्रांग होगा और उससे हमें जो है वो गुड पोस्चर मिलेगा। सेकेंड एक्सरसाइज जो है गाइस लेटरल रेज है। ये एक्सरसाइज थोड़ा हैवी है बट इससे जो है आपको गोल्ड शोल्डर मिलेगा, और मुझे वो शोल्डर बहुत पसंद है गाइस, इसलिए मैं ये वर्कआउट, ये एक्सरसाइज जो है मैं बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। और थर्ड एक्सरसाइज जो है वो शोल्डर डंबल प्रेस है। ये शोल्डर मसल को बिल्ड करेगा, शोल्डर की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और हमारे कोर को भी इंक्रीज करेगा गाइस। ये देखिए गाइस, न्यू प्लेट्स आए हैं जिम में। ग्रीन वाला जो है वो 10 का है, और येलो वाला 15 का है, और ब्लू वाला 20, रेड वाला 25, एंड लास्ट में जो है वो 5 का प्लेट्स रखा हुआ है। ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग, मतलब नया नई चीज़ें आती है ना, तो जिम करने में बड़ा मज़ा आता है गाइस। तो गाइस फाइनली जो है आज का वर्कआउट जो है वो कम्प्लीट हो गया है। शोल्डर मारा था मैंने, फुल वर्कआउट जो है मैं शूट नहीं कर पाया, क्योंकि अगर फुल वर्कआउट शूट करता तो मुझे लेट हो जाता और ऑफिस भी निकलना है। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, मैं थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूँगा जिम में, और अगर फुल वर्कआउट शूट करता हो तो मैं बताऊँगा अभी आप लोगों को। तो अभी चलते हैं घर पे और ऑफिस के लिए भी निकलते हैं।
फटाफट नाश्ता वाश्ता करके और तो चलते हैं। गाइस क्या है ना, वर्कआउट के बाद जो है प्रोटीन शेक लेना बहुत ज़रूरी है। ये कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, मतलब आप लोग बोलेंगे कि प्रोटीन का बॉडी है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन लेना चाहिए, हम जो खाना कम खाते हैं, मीन जितना खाने से हमको प्रोटीन कम मिलता है ना, तो ये प्रोटीन शेक लेंगे तो उसको कवर करता है। ये मेरा वे प्रोटीन है, बट मैंने जो है पेंटाश्योर के डब्बे में इसे रखा है, वरना आप लोग बोलेंगे कि पेंटाश्योर पी रहे हैं। आप लोग जो है प्रोटीन दूध में भी ले सकते हो, मैं वाटर में लेता हूँ, क्योंकि वाटर में जो है वो जल्दी मतलब ऑब्जर्व हो जाता है बॉडी के अंदर। तो गाइस लंच वगैरह करके निकल गया था मैं ऑफिस के लिए, थोड़ा सा लेट हो चुका था, तो जहर और फजर की नमाज़ भी मैंने अदा कर ली है, और अगर आपने भी नहीं पढ़ी रहेगी तो पढ़ लीजिए। उसके बाद लेट हो गया था तो मैंने रास्ते पे शूट नहीं किया, तो अभी ऑफिस के पहुंच गया मैं ऑफिस, तो वहाँ पे मैं सोचा थोड़ा सा शूट कर लेता हूँ। तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं आज का क्या टास्क मिल रहा है। वैसे तो काम इतना कुछ ये नहीं है, बट फिर भी देखते चलो। तो भाई शाम का मील का जो है वो टाइम हो गया है, तो और शाम का मील जो है मेरा रेडी भी है, मतलब मैंने घर से ही बना के रहा था। अभी बॉडी बनानी तो आपको इतना तो करना पड़ेगा ही, घर से मतलब जो है आपको कैरी करना पड़ेगा आपका मील जो भी है। तो मैंने लाया है ब्राउन ब्रेड और चिकन का सैंडविच लाया है, और उसके साथ में मेरा दो खजूर है, तो खाते। और मैं आपको आज दिन की क्वांटिटी बताऊंगा कि आज मैंने दिन में कितना प्रोटीन इंटेक किया है और कितनी कैलोरीज मैंने बर्न की है और कितनी कैलोरीज गेन भी की है, वो भी बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। तो गाइज मैं बोल रहा था कि अगर आपको बॉडी बनानी ना, तो आपको आपकी डाइट पर खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब कितना कैलोरीज आप ले रहे हो, कितना प्रोटीन आप दिन में इंटेक कर रहे हो, ये सब का ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा, मतलब और कोई तो है नहीं जो आपको आपके ध्यान रखे। और हर दिन जो है ना प्रोटीन का इंटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी 3 महीने का चैलेंज लिया है मैंने, तो देखते हैं अभी। वैसे मेरी थोड़ी बहुत सैंडविच भी टेस्टी है, थैंक यू। सो गाइस ऑफिस की हो गई है छुट्टी, ज़्यादा काम नहीं था आज, थोड़ा नेटवर्क था उसे ही मॉनिटर करना था, और जो सेकेंड शिफ्ट का मतलब नाइट शिफ्ट का बंदा था आज, वो हाफ एन आवर जल्दी आ गया था, तो उसकी वजह से जल्दी छुट्टी हो गई है, हाफ एन आवर जल्दी छूट गया हूँ मैं, तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो आज मैं पनवेल नहीं जाऊँगा गाइस, वडाला जा रहा हूँ, और डैडी भी आए हैं बैंगलोर से, तो उनसे भी मिलता हूँ। तो चलते हैं, अभी स्टेशन पहुँचूँगा, वहाँ से ट्रेन पकड़नी है, फिर ऑफिस वाशी उतर कर ट्रेन चेंज करना है, और फिर वडाला से उतर के मोनो रेल पकड़नी है। तो चलते हैं, आप लोगों को भी थोड़ा मतलब ट्रैवलिंग का सफ़र बताता हूँ मैं, और बने रहिए वीडियो में। वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं आज के मैंने कितना प्रोटीन ऑब्जर्व मतलब टेक किया है, और कोशिश करूंगा कि कल जो है मैं उससे थोड़ा 2% ज़्यादा रखूं। तो चलते हैं अभी। फाइनली गाइस मैं पहुंच गया था घर पे, उसके बाद डिनर वगैरह भी किया और दोस्तों से भी मिला, और काफ़ी टाइम बाद वडाला आया था तो उनसे मिल के भी थोड़ा अच्छा लगा। तो अभी वीडियो को यहीं पर एंड करने का टाइम आ गया है गाइस, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का मेरा दिन ऐसा था, और 3 मंथ में जो है बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करने का चैलेंज है, खुद का ही है मेरा, खुद से लिया है मैंने, तो देखते हैं अभी। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।